संसद में हंगामे के बीच ही अब जरूरी कामकाज निपटाएगी सरकार। वित्त विधेयक और अनुदान मांगों को दिलाई जाएगी मंजूरी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, आज जारी करेगी 125 उम्मीदवारों की लिस्ट। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज पेश करेंगे बजट, सभी वर्गों पर होगा फोकस। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, आज होगी पार्टी की बैठक, चुनावी रणनीति को लेकर होगी चर्चा। अमृतपाल अभी भी फरार, पंजाब पुलिस का दावा, अब तक 154 लोग हुए गिरफ्तार। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े 7 केस एक साथ चलाने की याचिका पर होगी सुनवाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे आज, चेन्नई में खेला जाएगा आखिरी और निर्णायक मुकाबला, वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका। आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं भक्त। मौसम ने बदला मिजाज, 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर गिरेगा तापमान। अमेरिका ने साउथ चाइना सी को लेकर कही बड़ी बात, चीन का आक्रामक व्यवहार परेशान करने वाला। पाकिस्तान में भूकंप के झटके, भूकंप से 9 लोगों की गई जान, 6 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान में भूकंप से कम 19 लोगों ने गवाई जान, भारत में दहशत। भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त नियुक्त, फिलिप ग्रीन होंगे भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त। तानाशाह किम जोंग उन की बेटी के मोटापे से गुस्साए लोग, फैंसी कपड़ों को लेकर कर रहे हैं बातें। भारत ने हवाई सीटें बढ़ाने के यूएई के आग्रह को किया खारिज, सिंधिया ने कहा इस बारे में नहीं सोच रहे। आरबीआई का बैंकों को निर्देश, सालाना क्लोजिंग के लिए 31 मार्च तक खुली रखें शाखाएं। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में कहा, कोरोना काल के वर्षों से पूर्व अनुमान से भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरी भारतीय अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड को केंद्र से 3 महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली, यूपीसीएल ने 2 महीने के लिए खरीदी गैस। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, यूपी से लेकर दिल्ली तक चलेंगी करीब 7 नई ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं।